सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। सो रूम की हालत क्या है ना, बहुत बुरी है। अभी क्या है ना, मैं घर से कुछ लेके नहीं आया था, बस जो कपड़े थे वो पहन के आ गया था। बाकी ये टी शर्ट अभी साहिल से ले ली है और उसी का ये चश्मा साहिल गई। तो अभी शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हैं, तब तक मैंने सोचा मैं आपको ऊपर से दिव्यांशु आ रहा है स्कूटी की चाबी लेके, मैं आपको दिखा दूँ कि भाई कैसा क्या हमने जो लिया है फ्लैट अपार्टमेंट कैसा क्या है। देखो अंदर से तो कल मैंने आपको रूम टूर कराई दिया था, अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये पेड़ वेड़ लगे हैं। देखो ये यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही परमानेंट ही रहते हैं, मतलब 6-6 महीने एक एक साल यहीं ले लिया, बुक कर लिया है और बढ़िया यहीं रहते हैं भाई। और ये पूल अभी गंदा रखा है, इसको देखे अगर साफ़ करवाएंगे तो एक दिन इसमें ही बढ़िया पूल पार्टी करेंगे अपन। बाकी दिव्यांशु भी आने वाला है अपन, इधर से सबसे ऊपर वाला जो ऊपर है ना इसमें है सब, तो मतलब ये दिख रहा है ना इसके पीछे हैं। चले तू भी चल रहा है, ठीक है। तो गाइस अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर लें। कैसा लग रहा है मेरे पे, मस्त लग रहा है। या फिर ब्लैक ट्राई करिए, ब्लैक ट्राई करते हैं। कौन सा ठीक है, वाइट या ब्लैक, तो कमेंट करके बताना भाई, वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा था या ब्लैक में। पहनने में दोनों पहनने मुझे ही है जी। बता कितनी शॉपिंग करनी है मेरे को, तो बस थोड़ी सी लेनी है, मैं फिर शाम को देखूंगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। स्कूटी की चाबी है, तू चल रहा है क्या? साहिल नहीं चल रहा, अपन दोनों ही चल रहे हैं। चल कौन सी वो सामने खड़ी, कौन सी है? ये एक ही जैसे नंबर है ना, एक ये रखी है अपनी, एक ये रखी है। हाँ ठीक है, तो एक ये अपनी ये रखी है। चलो गाइस, तो अब स्कूटी राइड एंजॉय करना। मुझे अपने गार्ड साहब सुबह इनकी ड्यूटी है, शाम को किसी और की। लेट्स गो गोवा। ये भी ज़्यादा दूर नहीं आए, जो कैलंगूट के पास में ही जो मार्केट है ना, ये वाली, इधर से ही यहीं से कुछ लेंगे, देखते हैं यहाँ से थोड़ा आगे और चलो उस दुकान पे। चल ये सामने दुकान है, मैंने इससे ही पहले भी शॉपिंग की थी, इसी से फिर करेंगे। अभी ये ले लिया अपनों ने, तो वैसे ये ले लिया, देखते हैं कितने का पड़ रहा है। तो गाइस अभी कपड़े वगैरह ले लिए हैं, थोड़ा अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया, 1000 रुपये के तो थे ही नहीं, वैसे भी 200-400 रुपये का डिस्काउंट इसमें भी आ गया अपन को। और अब सीधे फिर क्या करते हैं, निकलते हैं अपने होटल के लिए, वहाँ से देखते हैं आज का प्लान है, शायद देखते जा भी कहाँ जाएंगे। वैसे सोचा है कि एरम्बोल साइड चलते हैं, तो अभी निकल रहे हैं, बस कपड़े ले लिए वैसे रेडी, तो वहीं जाके नहाएंगे बीच पर। तो गाइस ये बहुत पुराना KFC है, ये दिख रहा हो आपको, ये KFC से लेफ्ट ले लेंगे, ये सीधा उधर गया अवाड़ा फोर्ट साइड, और ये KFC से हमारे होटल के लिए लेफ्ट। तो बस आई चला अपना होटल, एक मिनट में होटल पहुंच जाएंगे, फिर निकलते हैं सीधे फटाफट। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेमर। सो अपने होटल वाले से बोल दिया एक्स्ट्रा कंबल वगैरह के, कल दो ही थे, मतलब एक डबल बेड था एक सिंगल, हम अभी तीन लोग हैं हाल फिलहाल, तो दिक्कत हो जाती है हमें। अभी सामान रख दें और हेलमेट वगैरह निकाल लूँ। सो गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर मेरे को निकलना है, थोड़ा किसी से मिलने जाना था यहाँ, तो बताता हूँ अगर आपको, सरप्राइज़ है आपके लिए, देखते हैं किससे मिलते हैं आज, किसी से मिलवाता हूँ आप लोगों को। तो निकलता हूँ फिर मैं वहीं, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, कॉल अटेंड कर लूँ। अभी मैं निकल गया हूँ, वो लोग पीछे आ रहे हैं, तो आधे घंटे बाद वो लोग भी आ जाएंगे, तब तक मैं जा रहा हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ, और वहीं पे ही मेरे को वो लोग भी मिल जाएंगे, तो आपसे फिर वही लोग मुलाकात करेंगे। तब तक आपको रोड का नज़ारा दिखाता हूँ, गोवा का क्या है रोड वगैरह का। यहाँ से 20 किलोमीटर बता रहा है, और क्या कहते हैं 40 मिनट का रास्ता है, 20 किलोमीटर है, 40 मिनट लग रहे हैं यहाँ से,
तो फटाफट सीधे गाड़ी खींच लेते हैं जब तक आप रोड का मजा लीजिए, ठीक है? तो निकलते हैं सीधे। चलेंगे सब, चले वाले सुसरेंगे मरेगा कब, प्यार करने वाले बोलेगा ना रखब, बच्चे से बच्चे को मालूम है सब, गुनेगारी बिनेगारी तेरे घर पे चढ़ पड़ा। अभी अभी चलते पहुंचने वाले हैं आज, मतलब ये समझो इतनी ज़्यादा चेकिंग है ना भाई, आज तक नहीं देखी। और ये वाली रोड पे तो ये समझो चेकिंग मिलती है, पर इतनी ज़्यादा होगी ये नहीं पता था। बहुत ज़्यादा चेकिंग लगी है, हर एक किलोमीटर पर चेकिंग है ये समझो। तो यहाँ अगर आप आओ तो थोड़ा सेफ ही चलो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हेलमेट लगा के सब कुछ अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं, वरना बहुत तगड़ा चालान होगा भाई, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये का। इससे अच्छा है कि बच के रहो। तो गाइस अभी 20 मिनट और पहुँचने वाले हैं। ये मेरी स्कूटी खड़ी है, ये मनीष भाई की कार खड़ी है, और ये रहा उनका होटल। तो अभी मिल चुका हूँ, एक फ़ोटो है मेरे पास, उसको लगा दूँगा, ठीक है? तो अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं, साहिल वगैरह भी आने वाले होंगे, तो बीच पे बैठते हैं थोड़ी देर। नंबर जो जेन्युइन चीज़ होती है ना भाई, बहुत शानदार तो उन्होंने होटल बना के रखा है, कभी आओ तो यहाँ ना। और भाई एकदम बिल्कुल क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के। तो ट्राई करेंगे कभी नेक्स्ट टाइम मिलने का। तो अभी चलते हैं फटाफट यहाँ से, साहिल वगैरह भी वहाँ वेट कर रहे हैं। सो गाइस अभी अरमोल बीच आ चुके हैं, स्कूटी लगी अपनी यहाँ पीछे, और इधर से यहाँ सामने से जाते हैं अरमोल की तरफ। मार्केट लगी हुई है अभी तो कुछ नहीं, नाइट मार्केट बहुत ज़्यादा लगती है, सैटरडे को शायद, सैटरडे को बहुत ज़्यादा नाइट मार्केट रहती है यहाँ। सो साहिल वगैरह को तो यहाँ आने में कम से कम एक घंटा लग जाएगा, क्योंकि मुझे ही इतना टाइम लग गया। तो मैं तो वैसे भी क्या कहते हैं अकेले ही मैप देख रहा था, थोड़ी बहुत बीच में ब्लॉगिंग भी चल जाती थी मेरी, इस हिसाब से मैं लेट हो गया। पर उनको थोड़ा जल्दी आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ पाए अभी तक। तब तक कुछ नहीं, थोड़ा बैठेंगे रिलैक्स करेंगे यहाँ। सो चलो तो मैं अरमोल बीच दिखाता हूँ। यहाँ स्लीपर ही पहनना सही है भाई, शूज तो पहन लो तुम, बुरा हाल हो जाएगा। ये देखो, चलो अभी थोड़ा एक साइड बैठते हैं। गर्मी भी एक तो क्या है, बहुत ज़्यादा है गोवा में, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी वहाँ जाके एक साइड बैठते हैं, और इधर से ही निकल के लेक वगैरह वहाँ जाएंगे। ये देखो भाई, यहाँ से होते हुए जाते हैं। ये देखो, ये अरमोल बीच है, और ये जो अरमोल बीच से जो घर से दिखते हैं ना, उन्हीं में से बीच में से रास्ता है, वहाँ से जाते हैं स्वीट लेक के लिए। तो अभी स्वीट लेक पहुँच रहे हैं, रास्ता इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो भाई, गाइस आ गए। बहुत चलना पड़ता है यार इसके लिए, कम से कम एक डेढ़ किलोमीटर से ज़्यादा होगा। वो ऊपर पैरासीलिंग हो रही है, ये बीच, और ये यहाँ तो मैं ये सामने पेड़ देख रहे हैं ना, वो वहाँ स्वीट लेक है। सो गाइस अभी स्वीट लेक आ गए, अभी हम लोग नहाएंगे, साहिल भी रेडी हो रहा है, ये सब रख रहा है, तब तक थोड़ा मनाते हैं। और ये रहा स्वीट लेक, तो अभी सीधे घूमते हैं इसमें। चलो गाइस, पानी बहुत ठंडा है, मैंने भी चेंज कर लिया, चश्मा लगा के बढ़िया, बहुत ठंडा है। डुबकी डुबकी मार लेता हूँ पहले। अब नहीं लगेगी। भाई GoPro है तो मज़े हैं। चलो गाइस, नुकसान हो गया, साहिल की रिंग चली गई इसमें। अब मिलने से तो रही, नीचे पूरा रेत रखा था, मिलने से तो रही। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में, हां जादूगर जादूगर आए, जादूगर जादूगर आए।
तो गाइस कपड़े चेंज कर लिए, बढ़िया बात ले ली अपन ने। अब अपन निकल रहे हैं उधर सामने बीच पे, थोड़ा टाइम बीच पे स्पेंड करेंगे। ये पैकिंग चलने लगी यहाँ द्वारा से, और थोड़ा टाइम और बीच पे स्पेंड करके फिर निकल लेंगे अपने। एक दो जगह और पॉइंट है अपने, तो आज ही मोरजम होते हुए इधर से कोई और होगा चपोरा फोर्ट वगैरह, तो वहाँ घूम के सीधे अपने खा पी के मस्त किसी पार्टी में चलेंगे। ओके गाइस चलो फिर। अभी भी हम एरम्बोल बीच पे ही, अभी निकले नहीं हैं यहाँ से। अभी साहिल ने आलू पराठे मंगा लिए, मैंने नूडल्स मंगा लिए हैं, और दिव्यांशु ने मंगाई है ग्रिल सैंडविच। तो यहाँ थोड़ी पेट पूजा हो जाए, उसके बाद निकलते हैं फिर सीधे मोरजिम की तरफ और सीधा अपने होटल। ये अपने नूडल्स, ये उसके ग्रिल सैंडविच, साहिल के नूडल्स और आलू के पराठे हम लोगों ने फिनिश कर लिए, तो बढ़िया इस व्यू के साथ खाएँगे, मस्त मज़ा आ जाएगा। तो ये गाइस फिर रानी गया, तो चलो सोचा के छोड़ क्यों दे, आज ही दिखा देते ना मोरजिम बीच। ये लो पानी का एहसास क्या गई गए, ये ले भाई इसकी चप्पल निकल गई भाई, वो नीचे ही आती जा रही है, नीचे से रेत निकल रहा है, वो चप्पल भी नीचे जा रही। तू अपनी अपनी देख भाई, वो नहीं पैर में ही है, एक सेकंड ये देख इसकी भाई चप्पल ही निकल गई उसकी भाई। भाई कभी हेलमेट गिरा रहा है, कभी चप्पल गिरा रहा है, देखना ये क्या हालत कर दी हेलमेट की। दिले तू खुद मत गिर पड़ी है इसमें, जाके गिर पड़ जा। तो गाइस मोरजिम भी कवर हो चला अपना पूरा, तो ये ब्लॉग भी ये समझ लो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया आज का, मुझे ऐसा लग रहा है ये डिवाइड ना करना पड़े। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाकी फिर मिलते हैं अगले दिन किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।